लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कपड़े बदलना, अंदर आ जाओ। आई मीन होल्ड इट, होल्ड इट, जल्दी प्लीज। हाँ भाई, अंदर आ जाइए। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है भाई, आदमी अगर दिल लगा के कोशिश करे तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। लेकिन आपके इस ये कैसे हो सकता है क्या मतलब? मेरा मतलब है कि हम सारी रात एक ही कमरे में कैसे गुजार सकते हैं? देखिए, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे तो नींद आई जानी है और मैंने सो जाना। ठीक है, फिर ये मेरी प्रॉब्लम है, इसलिए आप बाहर जाकर सो जाइए। देखिए मैडम, ये कैमरा कहाँ रखना है ये आप मुझे बता सकती हैं, लेकिन मैं अपना स्लीपिंग बैग कहाँ बिछाऊं ये मेरा पर्सनल बिजनेस है, ये मेरी प्रॉब्लम है, दिस इज माय बिजनेस, इट्स नॉट ऑफ योर बिजनेस। और अगर आप यहाँ नहीं सोना चाहती तो शौक से बाहर चली जाइए। कैसे मर्द हो तुम, एक औरत के साथ इस तरह सलूक करते हो? देखिए, रात के इस वक्त मुझे अपनी मर्दानगी दिखाने का कोई शौक नहीं है। ओके, गुड नाइट एंड डू नॉट डिस्टर्ब मी। इडियट। ओह माय गॉड, अरे फिर से देखो भाई, ए कनगी, 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 उठो, अरे पास फिर से छूट जाएगी, चलो मैं जा रहा हूं। मम्मी चाय। अन्ना, वो दोनों एक कमरे में नहीं सोए? नहीं सोए तो कन्ने की बाहर सोई और कैमरामैन कमरे में सोया। चल कैसा मर्द है ये साला कैमरामैन, एक औरत को बाहर सुलाया और खुद अंदर सो गया। शायद बनती नहीं होगी दोनों की आपस में। भाई ठीक से तो खड़ी रहो यार। सुहाना, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं कब से खड़ी हूँ, सीट छोड़ नहीं सकते मेरे बैठने के लिए? अरे तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ दे, सीट क्या चीज है जी, आपको दुनिया छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, फिलहाल सिर्फ सीट छोड़ दीजिए, मुझे बैठना है, उठिए। इतने सारे लोग क्या कहेंगे, इतनी हसीन लड़की के लिए छोड़ा भी तो क्या छोड़ा, एक सीट। तुम एक काम करो, क्या मेरी गोद में बैठ जाओ। व्हाट, क्या बात है भाई साहब, खड़े हो जाओ। मैं तो खुद ही बैठिए बहन जी, मैं तो खुद ही सीट छोड़ने वाला था, बैठिए ना। डर गया भाई, जानवरों को मारता हूँ, इंसानों को डराता हूँ। यही रोक दो। सुनो, तुम ड्राइवर को पैसे दे देना, मैं यहाँ देख कर आ रही हूँ। क्या देख के आ रही हूँ? इसे भी रख देना प्लीज।
इसे जरा रख देना प्लीज। अरे खोलना इसे। नाक की सीध में चली जाओ, पहला पेड़ जो सामने आएगा उसके नीचे बैठी एक औरत चूड़ियां बेच रही है, उसे हरी चूड़ियां मांगना। इस कागज को फाड़ दो। चूड़ियां खरीदनी है? हाँ। कौन से रंग की? हरी। तुम्हारा नाम कन्नगी है ना? हाँ। अन्ना का आदमी अभी आया नहीं, आएगा तो तुमको गांव में खबर भेज दूंगी। अभी तुम गांव जाओ। पर यहाँ हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। कहाँ ना गांव में जाकर रुको। अरे भाई साहब। हाँ जी। क्या मैं आपकी एक फोटो ले सकता हूँ? फोटो? जी हाँ। हाँ जी खींचिए। देखिए मैं आपको साथ में 100 रुपया भी दूंगा, लेकिन आपको एक बात बतानी पड़ेगी। हाँ जी 100 रुपये की ये तो रामायण गीता में क्या है वो भी बता दूंगा। नहीं नहीं रामायण गीता नहीं सुननी मैंने। हाँ। सिर्फ इतना बता दीजिए रजप्पा का पता क्या है? रजप्पा मंडीपुर तक पहुंच गए हैं, कन्नगी की चूड़ी वाली से मुलाकात हो चुकी है, तो उन्हें बंदीपुर में ही रात गुजारने दो, सुबह होते ही ले आना। ठीक है। सूखा पेट जैसे बाहर का इंतजार करता है, वैसे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं कन्नगी, लेकिन जल्दबाजी में मैं किसी पर भी यह जाहिर नहीं होने देना चाहता कि मैं तुमसे पागलपन के हद तक प्यार करता हूं। आप लोग प्रेस वाले हैं? जी नहीं। आपने यहाँ फोटोग्राफी की? जी हाँ। आपके पास परमिशन है? जी नहीं। तो चलिए पुलिस स्टेशन। क्या कर लेंगे आप? व्हाट यू डू? हम लोग क्या कर लेंगे ये वहां चलकर बताएंगे, पहले चलिए। उठा उठा अपना सामान उठा। देखिए सर मैंने बताया ना हम यहाँ सिर्फ डॉक्यूमेंट्री बनाने आए हैं, ये सब क्या ढूंढ रहे हैं आप? हमें अपनी ड्यूटी करनी है। आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है? हम तो डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, हमें आपसे जो पूछा जाए सिर्फ उसी का जवाब दीजिए। आप प्रेस वाले हैं? नहीं नहीं डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं। किसके लिए बनाते हैं डॉक्यूमेंट्री? जी इनके लिए बना रहे हैं, ये जाने माने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं और मैं इनके साथ हूँ। आपके पास शूटिंग के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन है? जी नहीं है। सीआरपी कमांडर की परमिशन है आपके पास? नहीं है जी। हवलदार इन्हें अंदर डाल दो। देखिए हमने कोई गलत काम नहीं किया। देखिए ये डिस्टर्ब एरिया है, यू कैन नॉट शूट हियर विदाउट परमिशन। पर उसके लिए हमें ले जाओ इन्हें हवलदार। अंदर चलो, पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। चलो शास्त्री जी। हाँ बंद कर दीजिए ताला, जरा ठीक से लगाइएगा। ये डॉक्यूमेंट्री मैं समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या करें। भूख तो Stop that! कुछ है क्या? अरे कुछ पैसे हैं क्या? क्यों क्यों देखती हूँ, कुछ खास नहीं है, बस इतने ही मेरे पास। हाँ
हाँ, नाइस प्रिटी रिंग। बहुत कीमती है ये। मुझे मालूम है यहाँ से निकलना है ना। खामोश, चुप। क्या करोगे? ऐसा ही साहब, जरा सुनिए। क्या है? आपने बड़े साहब कहाँ हैं? बड़े साहब तो घर गए। क्यों, क्या बात है? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? हैं, मिल सकते। सुनिए तो, जरा हाथ दीजिए। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, मिल सकते हैं, मिल सकते। ओके। अरे सुनो, गेट खोल दो। आइए शास्त्री जी, आइए आइए। नमस्कार सरकार। नमस्कार। नमस्कार। आखिर आपने हमारे लोगों को हिरासत में ले ही लिया। मैं क्या करता सरकार, आप तो जानते ही हैं, हमारा इंस्पेक्टर एक नंबर का नाखरुस है, हरामी है, एक नंबर का ईमानदार है। लेकिन हुजूर, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, आपके दोनों व्यक्तियों ने कुछ नहीं बोला। कहा हम तो जानवरों की तस्वीर लेने आए हैं, लौटे का नाम सहारनपुरी है। दोनों को छोड़ दिया, लेकिन क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा, ये तो मेरे को पता नहीं हुजूर। सरकार, आज्ञा हो तो जाऊं? हाँ तुम चलो। अच्छा, लेकिन सरकार एक बात, जरा संभल कर जाइएगा, रास्ता भी नाकाबंदी है। ईमानदार इंस्पेक्टर ने उसे छोड़ दिया। Here you are. Permission. अच्छा, good, चलो। एक मिनट, तुमने पुलिस को झूठ क्यों बोला कि तुम मेरे साथ हो, जबकि सच यह है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? जो भी होगा मैं संभाल लूंगी, उससे तुम्हें मतलब? मुझे कोई मतलब नहीं। अरे कमाल है, हम दोनों एक साथ एक काम के लिए निकले हुए हैं और मुझे कोई मतलब नहीं। देखो, ये जो परमिशन लाए हो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ जानवरों की तस्वीरें लेने नहीं आए हैं। तो क्या करने आए? सॉरी, मैंने सिर्फ पुलिस से ही नहीं तुमसे भी झूठ कहा। हम यहाँ राजप्पा का इंटरव्यू लेने आए हैं। हाँ ठीक है, वो भी तो एक जानवर ही है। क्या, राजप्पा का इंटरव्यू? हाँ। Are you crazy? पागल हो गई क्या? क्यों? देखो, उस जानवर को मैं अपनी बंदूक से शूट कर सकता हूँ, लेकिन अपने कैमरे से नहीं। नहीं शूट करोगे? क्या मतलब है तुम्हारा? मिस्टर शुभांकर, तुम भूल रहे हो कि तुमने मेरे साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है जिसमें लिखा है कि मैं जो भी फिल्म बनाऊंगी तुम मेरा साथ दोगे। देखो, मैंने तुम्हारे साथ अग्रीमेंट जरूर साइन किया था, लेकिन उसे ऑनर करूंगा या नहीं ये मेरी मर्जी है। देखो, राजप्पा के बारे में तुम्हारी जो भी राय है वो तुम्हें नहीं बदल सकती, लेकिन अगर सही में तुम प्रोफेशनल हो तो इस वक्त कायदे से तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। हाँ देखो, कायदे से तो तुम इतनी हसीन हो कि जिंदगी भर तुम्हारा साथ दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए अपनी जान नहीं दे सकता, समझी? कहाँ जा रहे हो, किसे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो, ये मेरा है। कीप इट। जाओ, समझते हो मैं नहीं संभाल सकती, अकेले कर लूंगी सब। बन्नेगी? हाँ? ये अन्ना के आदमी है। अच्छा, ये तुम्हें अन्ना के पास लेके जाएंगे। हाँ हाँ। कन्नगी जी, आपका दूसरा साथी कहाँ है? वो नहीं आ रहे हैं, मैं अकेले ही चलूंगी। चलो जल्दी चलो। मेरा बैग। हाँ। क्यों भाई, कोई फंसी है नहीं? मेरा मतलब है पानी में कांटा डालकर बैठे हो, मछली फंसेगी? कभी कभी नहीं भी फंसती। हाँ ये भी सही है, अगर दूसरा शिकारी उधर बैठा हो उसके कांटे में फंस सकती। मेरे कांटे में फंसने वाली मछली किसी और के कांटे में नहीं फंस सकती। क्या बात है, ये भरोसा तुम्हें खुदा पर है? नहीं, खुद पर। भैया तुम पढ़े लिखे हो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन थिंकर जरूर हो। नॉट ओनली थिंकर जेंटलमैन, मैं क्रिएटर भी हूँ, आई एम अ पोएट ऑल्सो। क्या बात है, तो भाई कोई शेर सुनाओ।
मैं मजाक कर रहा था, मैं शायर नहीं हूँ, मतलब लिखना नहीं जानता, लेकिन पढ़ने का शौक जरूर है। तो किसी और का कुछ सुना दो। तो सुनो, मीर का एक शेर है। अरे क्या बात है, क्या बात है। गम रहा जब तक दम में दम रहा, दिल के जाने का नहायत गम रहा। अरे वाह क्या बात है। यानी दिल किसी को दे चुके हो। भाई मैं दुआ करूंगा कि जिस किसी को भी तुमने दिल दिया है वो तुम्हारे दिल को अपने दिल के साथ लगा कर रखे। अच्छा एक बात बता सकते हो क्या? रजप्पा का पता बता सकते हो? भैया रजप्पा का पता पूछ रहा हूँ। क्यों मिलना चाहते हो उसे? भाई जो आदमी इन गरीब आदिवासियों के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहा हो, उस महापुरुष के दर्शन करना चाह रहा हूँ। उसका ठिकाना है यहाँ के लोगों के दिल, उसका बसेरा है यहाँ के लोगों के विचार, और अगर उसे देखना चाहते हो तो यहाँ के किसी भी बूढ़े या बच्चे के आंखों में झांक कर देख लेना, नजर आएगा वो तुम्हें। चल बेटा शुभांकर, जिस रास्ते से शुरुआत की थी शायद वही ठीक है। उस हसीन का साथ शायद नसीब की बात है। चल भाई। आप लोगों को हम यहाँ तक तो ले आए, अब आप लोगों को इस पहाड़ी के ऊपर जाना है। ये तो नामुमकिन है। इस पहाड़ी के ऊपर? हाँ हाँ इस पहाड़ी के ऊपर। अरे ये पहाड़ी थोड़ी पहाड़ है भाई। अच्छा कोई और रास्ता नहीं है? है, यहाँ से आप लोग आए हो ना, वहीं वापस चले जाओ, और वहाँ से इस पहाड़ी के पिछवाड़े जाते जाते आपको इसी टीले के पास पहुँचना है। इसमें दो दिन लगेंगे, वहाँ कोई ना कोई हमारा आदमी होगा जो आपको राजप्पा से मिला देगा। अच्छा मैं चलता हूँ। आप ये फोटो खींच सकता हूँ? नहीं। इंटरेस्टिंग फेस। ओ गॉड। खड़े हो? ये क्या बदतमीजी है? अरे इतनी दूर से चलकर आई हो, अगर बैठोगी तो पाँव में क्रैम्प पड़ जाएंगे और फिर जिंदगी भर पहाड़ नहीं चढ़ पाओगी। ये क्या बदतमीजी है? क्यों बाबा क्यों? क्यों पहाड़ का रास्ता बताया आपने उन लोगों को? गंदगी को पहाड़ चढ़ना कहाँ आता होगा? अगर उसे कुछ हो गया तो? उसके साथ शुभंकर भी है, अगर फिर भी ना चढ़ पाए तो दूसरा रास्ता बता दिया गया है। लेकिन शहर की एक नाजुक लड़की को पहाड़ चढ़ाने की कैसी सोची आपने? राजप्पा तुम यहाँ के लोगों के लिए अवतार हो, और यहां तक तुम्हारी जान का सवाल है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। ये जो शुभंकर है, हो सकता है सरकार का जासूस हो जिसे तुम्हें मारने के लिए भेजा गया हो। लेकिन इन सब बातों का पहाड़ चढ़ने से क्या ताल्लुक है? अगर वो पहाड़ चढ़ने में कामयाब हो गए तो हम समझेंगे कि हमारा शक ठीक था। कैसी बातें करते हो बाबा, पहाड़ चढ़ना तो आजकल स्कूल और कॉलेजों में सिखाया जाता है, और अगर शुभंकर की असलियत का पता लगाना है तो अपने शहर के नेटवर्क का इस्तेमाल कीजिए। उनको बोल दिया गया है, अभी तक वहां से कोई रिपोर्ट नहीं आई। जो भी हो, जब तक मेरी तसल्ली नहीं हो जाती मैं तुम्हें शुभंकर से नहीं मिलने दूंगा। कनकी मसूरे मैं ये भूलूंगा नहीं। उठ। पहाड़ चढ़ गए। किसी को चोट तो नहीं आई? नहीं, एक बार कनगी गिरने लगी थी, शुभांकर ने उसे बचा लिया, मगर उस बेचारी का बैग नीचे गिर गया। बैग लाने के लिए कह दिया गया है। चलो
एक तरह से अच्छा ही हुआ, पहाड़ चढ़कर तुम अपने राजप्पा के लायक हो गए।